welcome to the NDTV Auto Show. I'm your host Pugdha Mishra. Let's first see what's on the show today. Skoda Slavia comes in Monte Carlo edition. We get you a quick walk around. Mercedes most premium EV is here. We will get you the walk around of Mercedes Maybach EQS 680 SUV. Mileage test of world's first CNG motorcycle, Bajaj Freedom 125. Classic Legend expands the Java lineup of motorcycles with new 42 FJ. I am with Mercedes-Benz CLE 300 today, and what a stunning looking car this one is. And I will get you a detailed review of the car very soon. But for now, let's focus on Mercedes EQS Maybach, their flagship EV. What happens when sheer opulence meets sustainability? The result, ladies and gentlemen, is it right front of you. This is the Mercedes Maybach EQS 680 electric SUV. Yes, Mercedes claims that this is the most luxurious battery electric vehicle in the world. तो गाड़ी का इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया, अब चलिए बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो बहुत ही बड़ी गाड़ी है, 5 मीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है और दिखने में काफ़ी क्लासी और एलिगेंट है। मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसका जो डुअल टोन कलर स्कीम दिया गया है, माइबाक मर्सिडीज माइबाक का उसका एक सिग्नेचर होता है। और साथ ही में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्रोम पार्ट्स दिए गए हैं, हैंडल बार्स है, क्रोम है, ये जो यहाँ पे लाइनिंग है ये सारी क्रोम की दी गई है। और हम बढ़ते हैं आगे टायर की तरफ, तो यहाँ पे दिया गया एक बड़ा सा मैसिव 21 इंच व्हील, दिखने में काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आपको माइबाक लेटरिंग यहाँ पे दी गई है, तो पूरा आप देखेंगे पिन स्ट्राइपिंग दी गई है, काफ़ी ओल्ड स्कूल है, बहुत ही प्यारा सा लुक है। और यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो एयर डैम है, यहाँ पे सारे माइबाक के ग्रिल लोगोस दिए गए हैं, देखिए, तो बहुत ही प्यारा डिटेल है। ओवरऑल गाड़ी दिखने में बेहद खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट है। और पता चलता है कि इस गाड़ी की जो कीमत है 2 से 3 करोड़ के ऊपर ही होगी। तो अगर आपको यकीन नहीं हुआ कि ये फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसमें एक बहुत ही बड़ा 122 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। क्लेम्ड रेंज जो है वो है करीब 611 किलोमीटर्स की, जी हाँ। और इसमें दो मोटर्स लगे हैं, एक आगे और एक पीछे। इसमें मर्सिडीज़ का 4MATIC ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है। और साथ ही में जो पीक पावर आउटपुट है वो है 484 किलोवाट्स की, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है एक मैसिव कोलोसल 950 न्यूटन मीटर्स का। तो इस लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में दी गई है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी 200 किलोवाट्स की। अगर एक कंपैटिबल डीसी फास्ट चार्जर मिल जाता है तो 10 से 80% तक गाड़ी चार्ज हो जाती है सिर्फ 31 मिनट्स में, सिर्फ 31 मिनट में। और 20 मिनट के चार्जिंग में आपको 300 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। और गाड़ी की अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 100 इज़ डन इन जस्ट 4.4 सेकेंड्स, विच इज़ कमेंडेबल फॉर अ कार दैट ऑलमोस्ट वेज 3 टन्स। बट द हाईलाइट हैज़ टू बी द कैबिन ऑफ द EQS 680। आई मीन जस्ट लुक एट इट, यू गेट अ प्रॉपर फर्स्ट क्लास flight seat experience. And why I say so, if you press this button right here in the front seat, it goes up. This is the boss seat, and you get all this space to yourself. And this is how you should treat yourself after a long hard day at work. You simply sink into these sumptuous seats. आई मीन अगर कंफर्ट की बात करें तो जनाब काबिले तारीफ है। देखिए यहाँ पे ये जो काफ रेस्ट है ऊपर आ गया है, वहाँ पे फुट रेस्ट धीरे धीरे आ रहा है, और सीट पूरी तरह फैल गई है। तो आप बस सीट बेल्ट लगाएं और आराम फरमाएं। वाह, लग्जरी हो तो ऐसी हो, लेकिन ऑफ कोर्स लग्जरी कम्स एट अ कॉस्ट। थोड़ा फीचर्स मैं बताता हूँ आपको। तो बस एक बटन प्रेस करना है आपको इस पैनल में, और सीट अपने आप फिर से वापस आ जाएगी। सब कुछ इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। और एक बहुत ही प्यारा फीचर ये है, जो सेंटर कंसोल दिया गया है,
ये पूरा एक वाटरफॉल को मिमिक करता है, देखेंगे कास्केडिंग वाटरफॉल जैसा इफेक्ट दिया गया है, बहुत ही प्रीमियम है। आप ये बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये जो वुड फिनिश पैनल है पीछे आ जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कूल्ड और हीटेड कप होल्डर्स, Maybach बैजिंग यहाँ पे है, रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ है, तो छोटा सा स्टोरेज स्पेस है। इफ़ यू जस्ट मूव टू द रियर, यू हैव अ स्टोरेज स्पेस हियर एंड यू हैव अ स्टोरेज स्पेस हियर एज वेल। इफ़ यू वांट, Mercedes कैन फिट दिस द रेफ्रिजरेटर एज वेल टू कूल योर बेवरेजेस, क्वाइट फन इंडीड। यहाँ पे एक टैबलेट दिया गया है जो कि डिटैच हो सकता है, तो इससे आप एयर कंट्रोल्स, एसी कंट्रोल्स, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, ये जो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, सब कुछ आप इस टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। कमिंग टू द रियर सीट एंटरटेनमेंट, सो यू हैव दिस कंफर्ट मोड, यू हैव वेरियस सीट मसाज फंक्शंस, यू कैन एडजस्ट द लंबा साइड बोल्स्टर, क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ द सीट, कैन ऑल्सो गेट डेटा फॉर ऑफ रोड ड्राइविंग, you have that option as well, very very interesting. And another interesting bit is the fact that this gets electric sunblinds, so one press and the sunblinds go up for your comfort and privacy. Isme mil jata hai ek Burmester ka audio system Dolby Atmos ke sath, to mere sar ke piche aap dekhenge speaker hai, dekhiye kitna pyara speaker hai, beech mein Mercedes Maybach ki badging di gayi hai aur jo ambient lighting hai bahut hi pyara hai। तो ओवरऑल कैबिन में जो फिनिश है, जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे अपहोल्स्ट्री जो है नापा लेदर की है, और ये जो इंटीरियर ट्रिम आप देख रहे हैं ये तीन ऑप्शंस में मिलती है। तो ये वुड फिनिश दिया गया है लाइनिंग के साथ, तीन ऑप्शंस मिलते हैं। सीट्स पे आप कई सारे ऑप्शंस में, कलर्स में चुन सकते हैं। सो द ओवरऑल फीलिंग, द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग ऑन द रियर सीट ऑफ द Mercedes Maybach EQS 680, if you do own a Maybach EQS 680 SUV, well, in all probability you will be the one riding in the rear seat, but if you do wish to drive this SUV yourself, well, the SUV is not going to let you down, because the front seats are as luxurious as the rear ones, and you have this nice leather-wrapped steering wheel, this large MBUX hyperscreen. So you have the instrument console here, you also have a head-up display, you have this really big center infotainment console, and you have a screen for the passenger as well. Again, you have two cup holders here, and you have a storage space here as well with two USB chargers. That's quite a deep storage space, and you can control all the functions from the center console. Again, this is one interesting feature, safety feature that the EQS 680 SUV has, and that is front airbags for the rear passengers. Kuch aur functions isme aapko bata dete hain. Aap yahan pe ye button press kijiye aur yahan pe aapka ye sare functions aa jate hain. You can switch on the head up display, to yahan pe head up display aa jayega, aapko aapke screen pe dikhega. Aur yahan pe lane keeping assist, steering assist diya gaya hai, Parktronic hai, downhill speed regulation wo bhi diya gaya hai, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वो भी ऑप्शन है आपके पास। और अगर आपको ऑफ रोड पैच से जाना, आप चाहते हैं कि व्हीकल का सस्पेंशन रेज हो जाए, बिकॉज गाड़ी में एयरमैटिक सस्पेंशन दिया गया, सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन, तो राइड बिल्कुल मैजिक कारपेट जैसी होगी। और ये है ऑप्शन, तो अभी व्हीकल का लेवल रेज नहीं किया गया है, और अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो रेज हो जाएगा। CLE 300 is a cabriolet, but how does it look like with its top down? You will have to wait for my review to see it. But in the meanwhile, Skoda has launched Slavia in Monte Carlo edition. What does it bring? Let's show you that. So Slavia hamesha se ek aakarshak gaadi rahi hai. It has always looked sporty. It has always looked classy with a limousine like silhouette and a notchback style boot. But Skoda ने Slavia Monte Carlo Edition में कुछ और चेंजेस किए हैं जो इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बना देते हैं। Skoda का कहना है कि नए ज़माने का क्रोम दिन में है पियानो ब्लैक, एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट इज़ LED DRLs। सो LED DRLs एग्जैक्टली पहले जैसे रहते हैं, बट
क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आपको एक पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है सामने की ओर, बम्पर पर आपको पियानो ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं ये फ्रंट स्प्लिटर के रूप में। वहीं जब आप इसके साइड्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स, मोंटे कार्लो के बैज से रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैज है, स्कोडा हर गाड़ी पर मोंटे कार्लो का बैज नहीं देता है, तो ये स्पेशल ज़रूर है। उसी के साथ जो ORVM कैप्स हैं वो भी पियानो ब्लैक किए गए हैं। दो हैंडल्स पर डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप साइड स्कर्ट्स देखेंगे तो ये बिल्कुल नए हैं और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। छत ग्लॉसी ब्लैक कर दी गई है और रेयर सेक्शन में आपको एक लिप स्पॉइलर मिलता है जो कि अगेन पियानो ब्लैक दिया गया है। जो स्कोडा की लेटरिंग है वो आपको एक पियानो ब्लैक थीम में मिलती है, एक और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स और जो इसका रेयर स्प्लिटर है उसमें भी आपको पियानो ब्लैक थीम देखने को मिलेगा। बट अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ वाइट पेंट स्कीम विद ऑल दिस पियानो ब्लैक इंसर्ट्स ऑन द स्लाविया विच वुड लुक मच मोर नीटर एंड क्लासियर। फॉर नाउ अंदर बैठते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ऑल हैज चेंज देयर। तो स्लाविया का इंटीरियर रफली सेम है, देर आर नॉट मैनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड फीचर एडिशन ओवर हियर। वही पुराना 10 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, 8 इंच का ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, स्टीयरिंग व्हील सेम है, लेकिन आपको एक ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद कॉन्ट्रास्ट रेड इंसर्ट्स। अगर आप डैशबोर्ड पर नज़र डालेंगे तो ये जो ट्रिम था ये ब्रॉन्ज के फिनिश में आता था, यहाँ पर इसको रेड कलर में दिया गया है। सीट्स की आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रास्ट रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं ताकि इस इंटीरियर को थोड़ा स्पोर्टी बनाया जा सके। इनफैक्ट जो आगे की दोनों सीट्स हैं वो पार एडजस्टेबल हैं। तो फीचर्स के मामले में मोंटे कार्लो में कोई कोताही नहीं बरती गई है। Welcome back, you're watching the NDTV Auto Show. Classic Legends has launched the updated Jawa 350. Let's take a quick look. So ladies and gentlemen, this is the brand new Jawa 42 FJ. So this is the third model in Jawa's 42 lineup of motorcycles after the Jawa 42 and the Jawa 42 Bobber. Now you might be asking ki FJ kya cheez hai, FJ kis bala ka naam hai? FJ hai Franticek Janicek, jo Jawa ke owner ka naam tha, jinhone Jawa कंपनी चालू की थी 1929 में। जी हाँ, आज से करीब 100 साल पहले जो मोटरसाइकिल कंपनी जिन्होंने चालू की थी उनके नाम पे ये मोटरसाइकिल बनाई गई है। इट्स ए होमाज टू फ्रांटिसेक जैनेचेक और बहुत ही प्यारा सा मोटरसाइकिल, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल। राइट नाउ ऑन दिस फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट द फिट एंड फिनिश एंड द क्वालिटी लेवल्स आर वेरी वेरी गुड एंड देयर इज एन अलॉय व्हील अप फ्रंट, 320mm डिस्क सिंगल डिस्क and 41mm regular telescopic forks which have a travel of 135mm। और अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑफसेट स्पीडोमीटर जो कि फुली डिजिटल है, अभी बंद है क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं है। और उसके थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हैंडल बार काफ़ी वाइड दिया गया है। एक जो बहुत ही अच्छा प्यारा डिटेल वो ये है कि द मिरर्स, द बार एंड मिरर्स, दे आर फोल्डेड डाउनवर्ड्स रादर देन अपवर्ड्स। इट गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील टू द मोटरसाइकिल एंड लुक एट द टैंक, the paint quality, the red and black combination, it looks really really good. And if you look at the side of the motorcycle, everything is blacked out, particularly on this bike, and it looks very very cool. You have twin exhausts nicely done in black, you have minimal use of chrome, and now let's talk about the seat. It gets a different seat than the Jawa 42 and the seat height is 790mm, ज़्यादा टॉल सीट नहीं है। और अगर आप 5'6" से ऊपर है तो आपको बैठने में और अपना पाँव फ्लैट रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एंड दी ओवरऑल एर्गोनॉमिक इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल। देखिए आप बहुत ही अच्छे से कम्फर्टेबली बैठ रहे हैं इस पर एंड जो व्यू है काफ़ी बढ़िया सा है। और इसकी कीमतें शुरू होती है 1,99,000 रुपीज़ से और जाती है 2,20,000 रुपीज़ तक। और कई सारे कलर ऑप्शंस हैं और कई सारे इसमें आपको एक्सेसराइजेशन के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड साथ ही में इसमें अगर हम इसके डायनामिक्स की बात करें तो 178mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है और जो ओवरऑल इसका वेट है वो है 184kg विथ ऑयल एंड कूलेंट्स नॉट फ्यूल। तो अगर आप इसमें फुल टैंक कराएंगे, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो वेट इस बाइक का बढ़ जाएगा। बट ओवरऑल
जो कंपनी ने हमें वेट दिया है वो है 184 kgs का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन ऑन दिस मोटरसाइकिल. इट गेट्स एन अल्फा 2 इंजन विच डिस्प्लेसेस 334 cc और इसका जो पावर आउटपुट है करीब करीब 29 हॉर्स पावर का है और साथ ही में जो पीक टॉर्क आउटपुट है वो है 29.6 न्यूटन मीटर्स की. साथ ही में आपको मिलता है एक 6-speed गियरबॉक्स विद अ स्लिप एंड असिस्ट क्लच. जी हाँ, स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें दिया गया है. और जावा कहता है कि इसका जो इंजन का कैरेक्टरिस्टिक है काफी पीकी परफॉर्मेंस है, मिड रेंज और टॉप एंड काफी बढ़िया है. The next story is really special. We test the mileage of world's first CNG bike, Bajaj Freedom 125. It is not an easy task giving a unique design on a commuter motorcycle, and when we say unique, we mean it. Because Bajaj did a great job of doing exactly that. The design on the Freedom 125 comes as a breath of fresh air. The somewhat hexagonal LED headlight, contrast colored tank shrouds, the really long seat, and the exposed trellis frame along with a small fuel tank makes for a recognizable design. The design on the alloy wheels is something that you have seen on other Bajaj bikes. What is also impressive is that the fit and finish and quality is decent too. You're not going to mistake this bike for something else. We quite like the way the Freedom looks. चलिए बात करते हैं ergonomics की. तो motorcycle पे बैठ के आपको दिखाते हैं. The seat height is quite tall at 825 millimeters. Yes. So in case you're short, you will have some trouble putting your feet firmly onto the ground. I'm 5'8" and I'm still on my tiptoes. So the seat is quite tall, and the motorcycle feels manageable because it's very light. It has a curved weight of 149 kg. So halki hai kafi motorcycle. Aur aapko ise traffic mein chalane mein koi dikkat aayegi nahi. Aapko ek aur cheez dikhata hu main. Ye dekhiye. कितनी लंबी सीट है. इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 785 मिलीमीटर्स. जी हाँ, इंडियन मोटरसाइकिल सेगमेंट में ये शायद सबसे लंबी सीट है. दो जने काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट द कुशनिंग ऑफ द सीट इज़ वेरी फर्म, राइट? सो वी वुड हैव लाइक अ स्लाइटली सॉफ्टर प्लशर कुशन ऑन द सीट विच वुड हैव मेड योर लॉन्ग कम्यूट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल. एज एन ओवरऑल पैकेज द मोटरसाइकिल इज क्वाइट राइडर फ्रेंडली. यू सिट टॉल एंड यू सिट अपराइट. So that's the good advantage on this motorcycle. The Freedom 125 is decently kitted out for the segment it operates in. There is a negative LCD console which also displays calls and SMS alerts. The top spec model gets disc brake, LED headlight, USB charging port and Bluetooth connectivity. The mid-spec model misses out on a disc brake and connectivity, while the base variant misses out on all three features. All variants do miss out on an engine kill switch though. It isn't a huge bother. But it is a good convenience feature to have. तो चलिए बात करते हैं मोटरसाइकिल के सीएनजी टैंक की सेफ्टी की. जो सीएनजी टैंक है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, सीट के बिल्कुल नीचे. अब अगर आप ऑटो रिक्शा में बैठे, सीएनजी ऑटो रिक्शा में, तो उसका भी जो सीएनजी टैंक होता है सीट के नीचे ही होता है. बजाज ने बहुत सारे सेफ्टी चेक्स किए, 11 सेफ्टी चेक्स किए. इनफैक्ट जब मोटरसाइकिल लॉन्च हुई तो हमें वीडियो दिखाया था कि इसके ऊपर से ट्रक चली गई है, लेकिन फिर भी सीट को और जो नीचे फ्यूल टैंक लगा उसको कोई नुकसान नहीं हुआ. सो द मोटरसाइकिल इज वेरी सेफ. इट हैज बीन टेस्टेड एक्सटेंसिवली. द 125cc सिंगल सिलेंडर इंजन मेक्स 9.4 ब्रेक हॉर्स पावर एट 8000 rpm अलोंग विद 9.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क एट 5000 rpm. द इंजन इज पेड टू अ 5-speed गियरबॉक्स. टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्रीडम 125, वेल इट इज एविडेंट that this is one of the more sedate 125cc motorcycles. The initial pickup is quite mellow, but the engine itself is quite smooth, at least till 80 kilometers per hour. And there is a pronounced difference when you shift from CNG mode to petrol mode. The motorcycle feels more peppier, more eager to run in the petrol mode. In the CNG mode, the overall pickup and the dynamics is quite mellow, quite low down, right? But if you ride this motorcycle in the city, you won't have an issue because the gearbox is very, very slick and the clutch action is very light, right? So overall dynamics of the motorcycle, the performance, it's quite decent. But if you want to go somewhere in a hurry, you best choose a different mode of transport. The Freedom has a firmer ride compared to other Bajaj bikes. The front telescopic fork has a travel of 125 mm and the rear link type monoshock has a travel of 120 mm.
sharp-edged undulations will be felt prominently. Thanks to a light curb weight of 149 kg, the bike is easy to filter through traffic. The disc brake up front, along with the drum unit at the rear, do a good job of dropping speed without much drama. The petrol and CNG filler point is under the flap on the fuel tank, which is similar to the ones found on other petrol motorcycles. The fuel tank can hold 2 liters of petrol and the CNG tank can hold 2 kg of CNG. Now, Bajaj says that the bike can run 130 km on petrol and 204 km on CNG, making for a combined total range of 330 odd km. तो चलिए जो सवाल आपके मन में काफ़ी टाइम से था उसका जवाब दिए देते हैं कि भैया आखिरकार ये मोटरसाइकिल देती कितना है। तो हमने इस मोटरसाइकिल को करीब 190 किलोमीटर चलाया शूट के दौरान, हमारे एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 kg CNG में ये चली है करीब 94 किलोमीटर्स और 1 लीटर पेट्रोल में ये चली है 54 किलोमीटर्स। तो जो ओवरऑल रेंज बैठा है 2 kg CNG और 2 लीटर पेट्रोल का रियल वर्ल्ड में, वो है करीब करीब 300 किलोमीटर का, और जो क्लेम्ड एफिशिएंसी है वो 330 किलोमीटर की। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, काफ़ी आसपास है रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी और क्लेम्ड एफिशिएंसी। तो हमने इस मोटरसाइकिल को एक्सटेंसिवली नोएडा में चलाया है और नोएडा में 1 kg CNG की कीमत है 79.5 रुपीज़ और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 95 रुपीज़। तो थोड़ा सा अगर गणित बिठाते हैं, मेंटल मैच करते हैं, तो कॉस्ट पर किलोमीटर CNG की आती है 75 to 80 पैसे और कॉस्ट पर किलोमीटर पेट्रोल में आती है करीब 1.75 रुपीज़ की। तो दोनों में कम 70 से 80 पैसे का फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है। और आपको लगेगा कि ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप इस मोटरसाइकिल को खास करके CNG में चलाते हैं तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर बजाज कहता है कि इस मोटरसाइकिल को चलाने से आपको मिलेगी पेट्रोल के बढ़ते दामों से फ्रीडम, तो वो सही कह रही है। The Freedom 125 can be started in either petrol or CNG, and the good part is that one can switch the fuel mode on the go. Best way is to close the throttle for a second or two and then make the switch to make the transition smoother. As an overall package, the Bajaj Freedom 125 offers excellent value in terms of performance, in terms of practicality, efficiency and comfort as well. But there are a few drawbacks too. कुछ खामियां भी है। सबसे पहले जो मोटरसाइकिल की सीट है काफ़ी ऊंची है, तो जो छोटे हाइट के राइडर्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मैन्यूवर करने में, और साथ ही में जब भी आप इसमें CNG भरवाएंगे तो उस पर लाइन में लगना पड़ेगा और वो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि धूप तेज़ है, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसमें CNG जब तक आप डलवा रहे हैं तो वो दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन एज एन ओवरऑल पैकेज बहुत ही बढ़िया बाइक है। एंड कूडोज टू बजाज फॉर ब्रेकिंग द मोल्ड एंड ऑफरिंग अस अ प्रोडक्ट विच ब्रेक्स द ग्लास सीलिंग इन टर्म्स ऑफ कम्यूटर मोटरसाइकिल्स। Hope you liked the show today. Do give us your feedback on our NDTV Autos YouTube channel. You can also join us on your favorite social media platform. Till we meet again, drive safe, take care, bye-bye.